इंडियन एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एक बार फिर हुंकार भरी है। रविवार को करणी सेना ने 9वीं अनुसूची के विरोध में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विशाल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। करणी सेना ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग की है। आरक्षण संबंधित कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार पुनः चर्चा में आ गई है। 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि आरक्षण को इस सूची में शामिल करने की पैरवी कर रहे हैं। इसकी जानकारी लगते ही राष्ट्रीय राजपूत सेना ने इसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिए हैं। करणी सेना प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव वाले क्षेत्र में विशेष रूप से इस आंदोलन को कर रही है ताकि चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार आरक्षण के मुद्दों को 9वीं अनुसूची में शामिल न करने के लिए उनका समर्थन कर सके। रविवार को करणी सेना ने इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विशाल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह ने बताया कि प्रदेश के कई विधायक और सांसद आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते आरक्षण को न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा होता है तो सामान्य वर्ग को काफी नुकसान होगा। हम रैलियों के माध्यम से राजपूत समाज में जन जागरण लाना चाहते हैं। सावर में से राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर सावर तहसील के द्वारा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो कांग्रेस और भाजपा के विधायक और सांसद जो एक मुहिम चला रहे हैं कि लेटर लिख के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और उसको 9वीं अनुसूची में डालने के आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो हम भी जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने को इन लोगों से सवाल पूछना है कि आपने भी आपकी विधानसभा में ये लेटर दिया है और दिया है तो आपको सारे वर्ग के लोग वोट करते हैं, सामान्य पिछड़ा, तो आप खाली एक वर्ग के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इसी के तहत हमने यहाँ बैठक रखी थी और एक रैली और सभा है। क्या किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है इस पूरे मध्य प्रदेश में? पूरी तरीके से अच्छा समर्थन है। सारे युवा लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। जीवन में जैसे पहले करणी सेना ने आंदोलन खड़ा किया था, एक भूचाल सा ला दिया था, फिर वो करणी सेना सुप्त अवस्था में हुई और अब चुनाव का मौका आया। इंदौर जिले के अध्यक्ष ऋषिराज के अनुसार आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हमारा ये सूची में जो आरक्षण को सम्मिलित करने के लिए जितने भी नेता लोग कार्य कर रहे हैं, हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की ये जो अगर एक बार आरक्षण 9वीं अनुसूची में सम्मिलित हो गया तो हम जो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, हम जो चाहते हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि आरक्षण हिंदुस्तान में लागू किया जाए, वास्तव में जिस वर्ग विशेष के व्यक्ति को उसकी जरूरत है उसे दिया जाए और जो ऊपर क्रीमी लहर बैठी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। अगर आरक्षण 9वीं अनुसूची में एक बार सम्मिलित हो गया तो फिर जो बड़े बड़े हम आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जो मौलिक अधिकार वो हमसे छीन लिया जाएगा और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा करणी सेना जिस मुद्दे को ताकत के साथ उठाती है उस मुद्दे को फिर आगे तक ले जाती है। रैली के बाद सांवेर मंडी में आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें करणी सेना के कार्यकर्ताओं को आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने का विरोध करने के लिए जागृत किया गया।